कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना के बाद उन्होंने कार सेवा में भी हिस्सा लिया। वे पार्टी के अन्य सदस्यों और गुरुद्वारा के स्वयं सेवकों के साथ बर्तन धोते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे। अपने सर को नीले रंग के कपड़े से ढककर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में मत्था टेका। प्रार्थना के बाद वे सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त गए और श्रद्धालुओं द्वारा उपयोग किए गए पानी के बर्तनों को साफ करके सेवा भी की। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा, वे शहर में ही रात बिताएंगे। उनके मंगलवार को सुबह धार्मिक क्रिया पालकी सेवा में भी शामिल होने की संभावना है। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बताया कि राहुल गांधी शहर के निजी दौरे पर है। वडिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के लिए अमृतसर साहिब आए हुए हैं। ये उनकी निजी आध्यात्मिक यात्रा है, हमें उनकी निजता का सम्मान करना चाहिए। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस यात्रा के लिए ना आए। आप सभी अपने उत्साह पूर्वक समर्थक के साथ अगली बार उनसे मिल सकते हैं। राहुल का पंजाब दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब 2015 के मादक पदार्थ मामले में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।